से एक महात्मा के पास एक सज्जन जाते थे, दो लोग जाएं। एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, दंड बैठक लगाए रोज, और स्वामी जी क्या हो रहा है, प्रणाम, आ बैठो पहलवान। पर उसके पास पैसा वैसा नहीं था, साधारण आदमी था, श्रमजीवी था, और वो बैठते ही कहता, क्या बताएं गुरु जी, भगवान ने हमको गरीब बनाया, रोज करो रोज खाओ, पैसे चार पैसे हैं नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता तो आपको चिंता नहीं करने देता, आपके आश्रम की सब सेवाएं गतिविधियां मैं चलाता, मैं देता, बिल्कुल देता, और लोग भी कैसे हैं जिनके पास है देते ही नहीं, अगर मैं मेरे पास होता तो जरूर देता महाराज, क्या बताएं, भाग्य की बात है, भगवान की इच्छा। गुरुजी मुस्कुराए, चल ठीक है ठीक, बैठा रहे। वो जाता तो एक सेठ जी आते, वो करोड़पति थे, उनके पास बचता तो बहुत था पर शरीर इतना दुर्बल था कि खाने को पचता नहीं था। दो तरह के लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है। सब बेचारे वो सांस भरते हुए, स्वामी जी आओ आओ, डालो भैया ने कुर्सी डाला, बैठ गए। बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती, फिर कहते, क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी बनाया है, बीमार रहते डॉक्टर, अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपके चरण दबाता, सेवा करता, लेकिन शरीर से हम ही नहीं उठ बैठ पा, आपकी क्या सेवा करें। स्वामी जी फिर हंसते, और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके, और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते, इसका मतलब करने ही नहीं चाहते ये, जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता, और शिकायत इस, और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं ही। ये जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता नहीं है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, करना नहीं चाहते। एक आदमी बोला, क्यों महाराज, हमें लोभ छोड़ देना चाहिए, दान तो करना चाहिए, रखा है तो करना चाहिए कि नहीं। महात्मा बोले, हमसे पूछ, हाँ बोले आपसे पूछ रहे हैं, लोभ छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, आप बताओ, हम आपकी मानेंगे, आप बताओ। महात्मा बोले, तुम हमारी तो मानोगे, हमसे पूछने आए हो, और मान लो तुम अपने मकान के बाहर, तुम्हारा गांव में मकान है और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो, और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में गिरे, तो हमसे पूछने आओगे कि क्या करना चाहिए, इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें, गले में पूछोगे। बोले, क्या मतलब, उस समय पूछना क्या, वो तो तुरंत गलत हो, गलत है, गलत हो, गलत है। तो बोले, जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो पूछने नहीं आते, अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते, दान करने लगते, अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते। पूछने ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है। एक रेलगाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे, गर्मी भयंकर, सो पानी बेचने वाले ये कहे, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी। एक आदमी बोला, चार आने में नहीं दोगे, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, चला गया। लौट के आए तब तक पानी खत्म हो गया था उसके, उसने कहा कि तुम न देते पानी, जवाब तो देते, हमने चार आने में मांगा था गिलास, तुम अठन्नी में गिलास। ऐसे बोला, इसलिए हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। कहा, क्यों? बोले, जैसे ही तुमने कहा कि चवन्नी में नहीं मिलेगा, हम समझ गए कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है, जिसे प्यास लगी वो मूल भाव करेगा, जिसे प्यास लगी वो मोल भाव नहीं करता। इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता, और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं, इनसे ज्यादा कोई बिचारा होते ही नहीं है। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम, और विचार करने वाले बिचारे कई चले गए। आज के करैया, आज करने वाले, वर्तमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं, और काल के करैया काल गाल में समाएंगे।
श्रीमान को फिक्र थी एक एक के दस दस कीजिए, श्रीमान को फिक्र थी एक एक के दस दस कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। ब्रज की बोली। एक बार एक संत के पास एक सज्जन गए। संत ने कहा, और भगत जी भगवान को कछु भजन वजन करो के ना है? भजन करो। सुब्रजवासी बोले, का करे महाराज, सोप तो ना है मिले। सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती, अब का सोप तो ना है मिले। तो महात्मा बोले, नारायण जब आन के जम पकड़ेंगे बाह, उन्हों से कहियो हमें अबे सोप तो ना है। इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। 10,000 इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया, हृदय कहां मिले? और मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं, तू हाथ मिलाता क्या है? और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा। समस्या का समाधान 10,000 इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता। और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है। यह रामचरितमानस का संदेश है। अब नहीं टूटा तो बैठ गए सब। अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? कहा, राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। अच्छा, आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। देखो, एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे ना, आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, वो सुना रहा है, सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है।